गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त रमन चाहर। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 के न्यूमेरिकल। किसी बंद परस में प्रवेशित फ्लक्स कितना है? 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम, तथा निर्गत फ्लक्स कितना है? 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। बंद परस द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू की वैल्यू। तो ये तो हो गया प्रवेशित करने वाला फ्लक्स, ये हो गया बाहर निकले वाला फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? परिबद्ध नेट फ्लक्स कितना होगा? 800 माइनस 400, कितने बचे? 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। ये गॉस का नियम क्या है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या ज्ञात करना है? परिबद्ध आवेश का मान, यानी क्यू का, क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्यू इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू ये रही 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम, ये रही। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर 12 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.54 इंटू 10 की पावर 9 गुलाम। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा सेकंड है 2.4 मीटर व्यास के एक समावेश चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें किसकी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? विद्युत फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है चालक गोले, तो चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व ये क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए होता है, सॉरी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ए की वैल्यू क्या होती है? ए क्या है? गोले का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr². तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू इक्वल टू सिग्मा डॉट 4πr². तो सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व का की वैल्यू हमें दे रखी है, जो कितनी है? 80 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁶। 4 पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 2.4 मीटर व्यास, तो डायमीटर दे रखा है इसका 2.4, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 1.2 का होल स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी? 1.545 इंटू 10⁻³ कूलाम। ये तो, और हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फाई क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमने अभी अभी ज्ञात किया है 1.545 इंटू 10⁻³, या पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻½ है, या 10⁻½ ऊपर गई तो 10⁻+12 है। जब इसको सरल किया तो फाई की वैल्यू है 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये होगी फाई की वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी थी। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे रखी है हमें? 10 न्यूटन पर कूलम कूलम है। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दे क्या रखा है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलाम, जो हमें दे रखी है। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? जब चालक और अचालक ने दे रखा हो तो गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें दे क्या रखा है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है? 10 न्यूटन पर कूलाम। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E की वैल्यू 10 दे रखी है, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? यानी 20 सेंटीमीटर दूरी पर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10⁻²² का होल स्क्वायर। तो के क्यू की क्या वैल्यू आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू की क्या वैल्यू आई? 10⁴ × 10⁻²। ये तो होगी के क्यू की वैल्यू। हमें ज्ञात क्या करना है? आठ गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो
तो 8 सेंटीमीटर पर ज्ञात करें। के क्यू की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻¹। तो के क्यू की वैल्यू लास्ट में कितनी हुई, 0.4 होगी। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जो हमें ज्ञात करनी है। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। के की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 0.4 यहाँ पर पुट कर दी। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10⁻²² ये हो गया 0.4 / 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 × 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴। तो 0.4 × 10⁻⁴ ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁴/64 ये हो गई। जब इसको सेल करेंगे तो 4000/64, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें E की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 125/2 यानी 62.5 न्यूटन/कूलाम। ये हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, E की वैल्यू प्राप्त होगी यानी गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी जो ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ N/कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी एक अनंत रेखीय आवेश और रेखीय आवेश घनत्व का मान हमें ज्ञात करना है। यानी R की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻²⁪ मीटर। E की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 9 × 10⁴ N/कूलाम। हमें ज्ञात क्या करना है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, यानी लेवेंडा की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, किसकी, लेवेंडा की वैल्यू। तो रेखीय के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = 2k λ/R। E की वैल्यू हमें दे रखी है 9 × 10⁴, 2 के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, लेवेंडा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और R, R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, R की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻²⁪ मीटर। जब इसको सेल करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 जब इस तरफ डिवाइड में आएगा तो 10 की पावर 4 / 10 की पावर 11, लेवेंडा इक्वल टू 10⁻⁷ N/कूलाम/मीटर। ये हो गई हमारा रेखीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया, यानी यहाँ पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है, तो इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात करो। यानी विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना हमें इससे, किसे, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान परिमाण ज्ञात करना है। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले फ्लक्स से बने घन के केंद्र पर दिए गए आवेश का केंद्र होगा इस 6 फ्लक्स, यानी घन की कितनी फ्लक्स होती है, 6 फ्लक्स होती हैं इस घन के, यानी घन के कितने फ्लक्स होते हैं, 6 फ्लक्स। तो 6 फ्लक्स वाले घन से निर्गत फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, φ = Q/ε₀, गॉस के नियम अनुसार। तो φ = Q की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻⁶ कूलाम। ε₀ की वैल्यू होती है 8 × 8 = 54 × 10⁻¹² है। जब इसको सेल करेंगे तो 1.13 × 10⁶ ये हो गई N/m² / कूलाम फ्लक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। हमें ज्ञात क्या करना है कि इस फ्लक्स, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात करना है हमें। यह फाई की वैल्यू, यह विद्युत फ्लक्स किसके कारण आया, घन के 6 फ्लक्स के कारण। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक फ्लक्स के कारण, जब हम एक फ्लक्स के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो इस 1.13 × 10⁶ से 6 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो एक फ्लक्स के कारण दिए गए फ्लक्स, फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स आएगा तो φ′ = φ/6, तो 1.13 × 10⁶ तो 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर
गुलाम। यानी ये तो हो गया छह फ्लक्स के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स जो हमें प्राप्त हुआ है, हमें ज्ञात करना है एक फ्लक्स के कारण, तो इसे छह से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर। प्लेट को 10 माइक्रोगुलाम आवेश दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? चालक प्लेट के कारण E=σ/ε। यदि यहाँ पर अचालक प्लेट होती है, अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती? E=σ/2ε। यहाँ पर 2 डिवाइड में आ जाता है, लेकिन हमें ज्ञात करना है चालक प्लेट। क्यों? क्योंकि धातु क्या होती है? हमेशा विद्युत की चालक होती है। क्वेश्चन में दे नहीं रखा चालक है या कुचालक है, लेकिन धातु हमेशा विद्युत की चालक होती है, इसलिए हमने यहाँ पर चालक चालक शब्द लिया। तो चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E=σ/ε। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? σ=Q/A, जो यहाँ पर पुट कर दी Q/A·ε। E=Q की वैल्यू दे रखी है हमें 10 माइक्रोकुलम, तो माइक्रोकुलम को कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10·10⁻¹ कुलाम। ए की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 0.02 आएगा यहाँ पर, 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो ε0 की वैल्यू क्या है? 8 × 8 = 854·10¹² है। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 5.65 × 10⁷ N·m² प्रति गुलाम, जो हमें क्या ज्ञात करनी थी? प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, जो हमने ज्ञात कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, एक एक्स वाई तल में स्थित लंबी क्षैतिज समावेशित परत पर पृष्ठीय आवेश घनत्व 5·10⁻¹ कुलाम गुलाम डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर है। तो एक 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसका जेड एक्सिस 4 डिग्री का कोण बनाती है, पारित फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या मान ज्ञात करना है? फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो समावेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? जो मैंने बताया था E=σ/2ε। अचालक परत के कारण किसके कारण? अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=σ/2ε। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में किया था? φ=EdS cos θ, यानी φ=ES cos θ। φ=E की वैल्यू यानी σ/2ε, तो यहाँ पर पुट कर दी। एस क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया यानी हमें वर्ताकार लूप का निर्माण करती है जिसकी त्रिज्या है 0.1 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? φr², थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री, तो cos 60 हो गया। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है सिग्मा की वैल्यू? 5·10⁻¹। 5·10⁻¹ ये सिग्मा की वैल्यू। पाई की वैल्यू 3.14। आर की वैल्यू दे रखी है 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ε0। 2ε0 की वैल्यू होती है 8·8 = 5·4·10¹² है। cos 60 का मान होता है 1/2। जब इसको सरल करेंगे तो φ=4.44 × 10⁻⁷ N·m² प्रति गुलाम, ये फाई की वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, एक 0.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बंद पृष्ठ में 3 आवेश दिए गए हैं, 1 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, −2 × 10⁻⁷ बंद है। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें, यानी हमें 3 आवेश दिए गए हैं, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? φ=Q·Q/ε0। तो क्यू को हमें 3 आवेश दिए गए हैं, 3 आवेश दिए गए हैं, तो इन सभी का क्या करते हैं हम? योग कर देंगे, यानी तीनों को जोड़ देंगे। तो 1 × 10⁻⁷ +3 × 10⁻⁷ −2 × 10⁻⁷, क्योंकि 3rd आवेश नेगेटिव है। जब इसको सरल करेंगे तो 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई ε0 की वैल्यू होती है 8 × 8 = 5·4·10⁻¹² है। जब इसको सरल करेंगे तो φ=2.26 × 10⁴ N·m² प्रति कूलम। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल।
थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू टुमारो।